हमारे बीच में पंचनंद समारंभ से युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गेरा जी व उनकी टीम पानीपत से मेरे प्यारे मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो मंच पर आए। श्री शशपाल जी बड़ा प्यार है मेरे प्यारे जी। अरे अरे आज बेटा आते सारे श्री दीनानाथ जी डॉक्टर नवीन भाटिया जी गणेश जी रामनगर से आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जन कल्याण युवा मंच कृष्ण भोजा जी प्रधान रिंकू राणा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जन कल्याण युवा मंच श्री कृष्ण भोजा जी आनंद है यही कह सकता हूँ, सब तरफ समर्थन ही समर्थन, आशीर्वाद और आशीर्वाद, खूब आनंद में हूँ यही कह सकता हूँ। बड़ा अच्छा करना चाहिए, थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए उनको, ज़्यादा करनी चाहिए, थोड़ी और करनी चाहिए। करनाल में सर मुकाबला कैसे देखते हैं, कैसे मुकाबला कर रहे हैं वो आपस में लगे हुए, सारे बड़े पॉलिटिशियन हैं वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं, बाकी पार्टियां ना आपस में लगे हैं। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं तो किसी से मुकाबला कर भी नहीं सकता, वो बड़े आदमी कर रहे हैं। हाँ अमित शाह जी आए हैं कार्यकर्ताओं से मिलने, लोगों को संबोधित करने के लिए 5 तारीख को आ रहे हैं, पानीपत के अंदर आ रहे हैं। मुद्दे सबसे बड़ा इस समय जो जनता के मन में चल रहा है वो देश की सुरक्षा का चल रहा है। जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं वो वोट मांगने कैसे समाज के अंदर आएंगे, हमारे लिए तो ये बड़ा शोध का विषय है। जो पाकिस्तान की जय बोलने में भी शर्म नहीं करते वो लोगों के बीच में वोट मांगने कैसे जाएंगे, हमारे लिए तो ये भी शोध का विषय है। हमारा मुद्दा केवल एक है, वो है नरेंद्र मोदी जी और देश का भला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो लोग देशद्रोह की धारा को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनकी नज़र में देशद्रोह क्राइम ही नहीं है, वो जनता के पास वोट मांगने कैसे जाएंगे, हमारे लिए ये भी शोध का विषय है। मैं तो करनाल लोकसभा के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे तो इसी बॉर्डर का वो है, बाकी तो देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं, वो आपके मीडिया के लोग राजनीतिक पंडित हैं, वो टीवी के ऊपर बैठकर आकलन करते हैं, आप और हम सब देखते ही हैं।
मौजूद है। डाउन करो थोड़ा सा नीचे लाइव तस्वीरें देखी करनाल के जेबीडी ग्रुप की, जहां पर बीती देर शाम किस तरह से एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर धार्मिक संस्थाओं से यहां पर बड़ी संख्या में जो है लोग यहां पर पहुंचे थे। और इस समय आपने देखा कि किस तरह से करनाल लोकसभा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संजय भाटिया समेत तमाम भाजपा के नेता वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जेबीडी ग्रुप के जो संचालक हैं भारत भूषण कपूर, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ उस कार्यक्रम में रखा गया और कौन कौन लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। आज का ये कार्यक्रम जेबीडी समाज कल्याण समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि करनाल जिले की हमारे क्षेत्र की सभी धार्मिक एवं सामाजिक जो भी संस्थाएं हैं उनको एक संगठन के रूप में संगठित किया जाए। और इसमें आज हमारे यहाँ पर मंच पर पटौदी से स्वामी धर्मदेव जी श्री हरिमंदिर से पधारे हैं, स्वामी शांति स्वरूप जी ब्रह्मचारी कुरुक्षेत्रा से अद्वैत विज्ञान मठ से पधारे हैं, स्वामी लक्ष्मी नारायणपुरी जी चिंतपुर्णी मंदिर कुरुक्षेत्र से पधारे हैं, स्वामी छवि रामदास जी हमारे बीच पधारे हैं और करनाल की सभी सामाजिक और धार्मिक जिले की संस्थाओं के जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर पधारे हैं जिनका हमने यहाँ तहे दिल से धन्यवाद किया, स्वागत किया है। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रयोजन को लेकर के हमने ये कार्यक्रम का आज आयोजन यहाँ राजघराना में किया है उस प्रयोजन में हम अवश्य ही सफल होंगे। संतों के आशीर्वाद से एवं करनाल जिले की सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के जो भी यहाँ पर हमारे पास मुख्य प्रतिनिधि आए हैं उनके सहयोग से हम इस प्रयोजन में जरूर सफल होंगे और शीघ्र ही हम एक संगठन यहाँ पर करनाल के क्षेत्र में बनाएंगे और उसको आने वाले समय में हरियाणा के लेवल तक लेके जाएंगे। ये हमारी दिली इच्छा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसके अलावा अभी कुछ ही समय पहले हमारे यहाँ पर माननीय करनाल से जो एमपी हैं हमारे भावी एमपी संजय भाटिया जी भी पधार चुके हैं
उन्होंने भी यहाँ पर सभी संत संत जो भी हमारे यहाँ पधारे हैं उन संतों का आशीर्वाद लिया, और जो भी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में हमने करनाल के सभी जितने भी मुख्य मंदिर हैं उनके पुरोहित और ब्राह्मण उनको भी आमंत्रित किया है, उनका भी उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी मंत्रोच्चारण करके उनको आशीर्वाद दिया, और यही हमारा आज का मुख्य का आज के कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन है। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी करनाल के जेबीडी ग्रुप द्वारा राजघराना में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर करनाल लोकसभा सीट से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया, उन्होंने भी यहां पर पहुंचे, संत समाज और धार्मिक संस्थाओं से जो है मुलाकात की और उनका भी जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। राजनीति में प्रवेश किया, चलना सीखा थे आदरणीय कपूर साहब, वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीर विक्रम कुमार जी, या जिसका भी नाम मैं लेने से रह गया हूँ, सरदार जिन जिन का नाम गुप्ता जी बैठे हैं, सबका मैं सबको प्रणाम करते हुए कार्यकर्ता को हमारे बीच में जो टिकट मिला है वो कर्मठ साथी हमारे बीच में है, वो कार्यकर्ताओं के भी दर्द और प्रदेश महामंत्री तक का दायित्व उन्होंने संभाला। एक दूसरे का स्वागत भी करेंगे, परिचय भी करेंगे। आज सीधा सीधा मेरे सामने जो समाज बैठा है, वैसे कुछ चेहरे तो पिछले कार्यक्रम में भी थे, मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे भी बैठे हैं, तो बात और जो बुरा सोच रहे हैं, जो देश के टुकड़े करके भी हमारा राज कायम रहे, ऐसे महागठबंधन वालों को हम कर वहां तक हम जाएं अपने, तो ये तो पहले दिन से ही सारे काम में लगे हुए हैं, तो आपने फिर भी मान सम्मान किया, क्योंकि पिता का एक मन होता है, प्रेम कपूर जी हमारे पिता तुल्य हैं, उनका भी मन था कि मैं घर बुला के स्वागत करूं, आशीर्वाद दूं, मैं उनकी मन की भावना को समझ रहा हूं, और मेरे से पहले आप बोल बैठे शशिकांत महोदय, सारे सब बोल बैठे हैं, तो विषय तो मेरे का लगभग क्लियर है, केंद्र में अच्छे मोदी जी, प्रदेश में अच्छे मनोहर लाल जी, और मनोहर लाल जी तो आप भाग्यशाली हो, प्रदेश में भी है और आपकी विधानसभा में भी है, और बीच में एमपी साहब आपके बीच में, एमपी के नाते मैं कैंडिडेट हूँ, और हमारे एमपी साहब चोपड़ा साहब वो भी अच्छे इंसान हमारे हैं, और हम सब मिलकर एक अच्छे ही करनाल का, एक अच्छी सोच का, अच्छे विचार का, अच्छी दिशा की ओर करनाल जाए। मैं आपके परिवार के बच्चे के रूप में हूँ, आप मुझे डांट भी सकते हो, डपट भी सकते हो, हाथ भी पकड़ सकते हो, अपने मन की बात कह भी सकते हो, सुना भी सकते हो, और मेरे से सब कुछ करवा भी सकते हो। मैं इतना उस साधारण परिवार से बच्चा हूँ, और आप सब कपूर साहब ने तो हमारे जैसे लोगों को निर्माण किया है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, और आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मैं स्वागत की कड़ी में सतीश जी खाली आप स्वागत करवाइए और फिर नाश्ता कराए, आप विश्वास करेंगे सोखड़ा में शायद आप में से कोई थे, मेरे का सोखड़ा आप थे ना मेरे वहाँ, और नहाने के बाद लिबास बदलते हैं, प्रकार से आपने बचपन से आरएसएस की शाखा से निकल करके, इसके बाद चौधरी रूपचंद देशवाल साहब बालियान में विभिन्न हमारी कृषि योजनाओं को लागू करने में